नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा। जब पेन ड्राइव मिल चुकी है और ओरिजिनल पेन ड्राइव इस समय परिवार के हाथ लग चुकी है, क्योंकि इधर बलविंदर ने मलिष्का से बोला था कि मेरे पास में पेन ड्राइव है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पेन ड्राइव इस समय परिवार के हाथ लग चुकी है। ओबरॉय परिवार में जो खुलासा होने जा रहा है वो वाकई में देखने लायक होगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागरा आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए अत्यंत दिलचस्प और काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि खाने खाते वक्त जो कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सभी लोग बेल की बात करते हैं कि चलो फाइनल भगवान की वजह से, जो कि भगवान ने कृपा की है जिससे ऋषि की बेल हुई है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर मलिष्का टुकड़ा देने को होती है वहीं पर ही लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी के सामने ही मलिष्का खाना खिलाने की कोशिश करती है ऋषि को। लेकिन दोस्तों ऋषि जानता है कि ये बात लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। लेकिन दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि उसी समय आयुष बोलता हुआ नजर आने वाला है कि दो किसी को चिंता करने वाली बात नहीं है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो हमारे हाथ लग चुकी है और अब फाइनली भांडा फूटने जा रहा है। और वो पेन ड्राइव ओपन करने से पहले मलिष्का से बोलेगा कि मलिष्का तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, तुम क्यों डरी हुई हो, ऐसा तो नहीं है कि इसमें तुम्हारा हाथ निकले। जिसके बाद में मलिष्का बोलती है सेटअप तुम पहले पेन ड्राइव चेक करो। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खामोशी से बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर मलिष्का की बात की जाए तो मलिष्का को चिंता हो रही है। लेकिन दोस्तों उस पेन ड्राइव में एक शख्स आता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों खाने की अगर बात की जाए तो खाने में वो मिलाता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन दोस्तों उसमें मलिष्का दिखाई नहीं दे रही, मलिष्का अलग साइड से दिखाई दे रही है, जिसमें मलिष्का बोलती हुई नजर आने वाली है कि इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है और ना ही मैं इसको जानती कि ये किसने मिलाया। लेकिन दोस्तों उसकी पहचान कर ली जाएगी, उसकी पहचान बलविंदर के रूप में होने जा रही है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करें।